ए जी। ओ जी। अरे हम दफ्तर जा रहे हैं। हाँ दैया, ऐसे कैसे दफ्तर जा रहे हैं? ऐसे कैसे का, जैसे रोज जाते हैं वैसे जा रहे हैं? अरे हमरे कहने का ये मतलब है कि कल उस जबराट पहलवान के साथ कुश्ती लड़नी है ना। हमें पता है इंदुमती, बार बार का याद दिला रही हो। इसलिए याद दिला रहे हैं कि लो बादाम और काजू का दूध है, पी लो। अरे हमने आज तक कभी बादाम काजू का दूध पिया जो अब पियेंगे? आज तक तुम कुश्ती भी तो ना ही लड़े हो, अब लड़ रहे हो ना, तो ये लो घटाक लो घटाक लो। इंदुमती घटाक लो ना। ओलो 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 ओ ओ ओ ओ जे बात हमरे सर, कल ऐसे ही कर देना वो पहलवान को ढेर। का है ना, आज हमरा मन जो है एकदम खुशी के मारे गलगला रहा है। तुम प्रेम की परीक्षा देने के खातिर कुश्ती लड़ने के लिए एकदम तैयार जो हो गए। पहली बार ऐसी पत्नी देखी है जो पति की हड्डियां तोड़वाने पे खुश हो रही है। का, का, कुछ कहे का? अरे कुछ नहीं, हटो, मैं तब तक ले देर हो रही है। हाँ। वैसे भी हमें आज छुट्टी लेनी है। हाँ, हाँ, दफ्तर से जाके छुट्टी ले लो, कल ऊ पहलवान की छुट्टी कर देना तुम। हाँ? हम बहुत खुश है, पूरे लापतागंज वालों को बताएंगे कि तुमने ऊ पहलवान को चुनौती दी है। पगला गई हो क्या इंदुमती? हाँ, पगला गए, खुशी के मारे पगला गए। चलो चलो, का कर रही हो? चलो इंदुमती, इंदुमती। ए मौसी, ए चरसिया भैया, ए सुती भैया मामा, सब इधर तो आओ। अरे लापतागंज माँ जौन पहलवान आने वाला है ना कुश्ती लड़ने के लिए, सोचो उनका चुनौती किसने दी होगी। हाँ, कौन चुनौती देने वाला है? कौन? हम बताते हैं, मुकुंदीलाल गुप्ता। अरे चौ कहाँ गए, यही जीतेंगे, ताली तो बजाओ। जय बात, जय मौसी, जय बात, जय बात जी। ठीक से ताली बजाओ। अरे बजाने की कोशिश कर रहा है लेकिन बज ही नहीं रही है। अरे सुत्तीलाल, कुश्ती तो पिताजी लड़ा करते थे और बिना लड़े ही जीत जाते थे। इतने बड़े पहलवान थे वो? नहीं, पिताजी कुश्ती लड़ने ही तब जाते थे जब अखाड़ा खाली होता था। भाई बात थी पिताजी में? पिताजी में तो बात थी, लेकिन मामा मुकुंदी भैया का क्या होगा? मामा तुम्हें क्या लगता है, मुकुंदी भैया ये कुश्ती जीत जाएंगे? भाई हमें तो मुश्किल लगता है। अरे लल्लन जी कहाँ जा रहे हैं, इधर आइए। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं इधर आइए। आप आते हैं? आइए आइए। लेकिन विद्या रानी की कसम हम तुम्हारा कोई नुस्खा नहीं सुनेंगे। अरे नुस्खे को मारो गोली। वैसे गोली तो पिताजी चलाते थे, वो भी बिना बंदूक की। एक मिनट जरा बैठिए। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे हम कह रहे हैं बैठिए। आप बैठते हैं? हाँ। अरे आपने सुना है लालगंज से पहलवान आ रहा है कुश्ती लड़ने, और उसे चुनौती दे रहे हैं अपने लापतागंज से मुकुंदी बाबू। हाँ, उड़ते उड़ते ये खबर हमारे कान तक भी पहुंची है। भाई उड़ा तो पिताजी करते थे, अब डाक खाने वाला उड़ेगा। काहे की डाक खाने में मोहर लगाना एक बात है और धोबी पछाड़ लगाना और बात है। ये हम कह रहे, हम कौन? लल्लन जी कौन? ऐसे वैसे आदमी नहीं है, कहाँ काम करते हैं? PWD। हाँ, PWD में काम करते हैं और हम चलते हैं PWD और नहीं तो कहा डाक खाने। भाई सुत्तीलाल, भाई हम सोच रहे हैं कि कल मुकुंदी बाबू का पता नहीं क्या होगा, कहाँ कहाँ की हड्डियां तोड़वाएंगे। अरे सुत्तीलाल, ये जोकर जैसा कौन आ रहा है? अरे जोकर से याद आया, ये कहीं एलिजा तो नहीं? अरे हाँ मामा, एलिजा ही तो है। अरे सुत्तीलाल मामा, हम आ गए होंगे। अरे एलिजा, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, कम से कम अपने जीजा जी के आखिरी दर्शन कर लोगे। क्या जीजा जी? नहीं मामा, ये नहीं हो सकता हैंगे। अब हमारी इंदू दीदी क्या करेगी, कैसे जिएगी, उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई हैंगी। अरे भाई जिंदगी बर्बाद तो पिताजी की होती थी, तुम गलत समझ रहे हो एलिजा। तुम्हारे जीजाजी को कुछ नहीं हुआ, उन्हें तो हवा ने भी नहीं छुआ। भाई हम तो ये दुआ कर रहे हैं कि बस
कल तुम्हारे जीजा जी जिंदा बच जाएं बस। क्यों, कल सुनामी आ रही हैंगी या तूफान? तूफान नहीं, पहलवान। हम बताते हैं क्या बात है। बस, अरे जीजा जी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं हैंगी, क्योंकि अब हम आगे हैंगे। तब तो उनकी चिंता और बढ़ जाएगी। क्या बोले? नहीं नहीं, हाँ हम नहीं, तुम बोलो। हाँ मामा, अब हम जीजा जी को ऐसी ट्रेनिंग देंगे कि वो उस पहलवान को चारों खाने चित कर देंगे। चलो जीजा जी के घर। हाँ चलो। हाँ सुतीलाल, तुम्हें हम ट्रेनिंग देंगे। हाँ। उठाओ ये, उठाओ उठाओ। हाँ हाँ, यहाँ से शुरू होती है ट्रेनिंग। हाँ। चलो आगे आगे, चलो। खाली खाली है। हाँ हाँ। क्या बात है, काहे खुशी से खुर्शीदाबाद हुए जा रहे हो? हाँ धर्मसेन का पटना मिल गया है का? अरे बोलो ना, हंसते ही रहोगे का? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं, बोलो ना क्या बात है। अब बताते हैं। अरे तुमने सुना नहीं, वो तुम्हारे जीजा है ना डाक खाने वाले। हाँ। अरे वो डाक खाने वाले से मार खाने वाले होने वाले। अरे क्या बातों का बड़ौदा बना रहे हो? हाँ अरे खुल के कहे नहीं बोलते, क्या बात है? हाँ बात ये है कि कल जो बजरंगी अखाड़े में कुश्ती होने वाली है ना, उस पहलवान को मुकुंदी बाबू कुश्ती लड़ने की चुनौती देने वाले। अरे हमको पता है, मौसी ने हमको बताया था। हाँ पूरे गांव में मुकुंदी जीजा के चर्चे के पर्चे बट रहे हैं। हाँ इंदु की तो जैसे धाक ही हो गई है पूरे लापतागंज में। हाँ सभी औरतों के सामने इंदु की इज्जत इलाहाबाद से बढ़कर मुरादाबाद हो गई है, क्योंकि उसके पति ने कुश्ती की चुनौती जो स्वीकार कर ली है। हाँ देखा, हमारे जीजा भी कनु ऐसे वैसे आदमी ना ही है। हाँ सुनाओ। हाँ सुनाओ। तुम कहना क्या चाहती हो? है हम कोई ऐसे वैसे आदमी है? अरे PWD में काम करते हैं, PWD में ऐसे दूधी पहलवान को ना हम एक साथ चुनौती दे सकते हैं और दूधी ठोबार ना उठा के पटक भी सकते हैं। नहीं तो अरे जाइए जाइए, ये किस्सों का काशीपुर ना किसी और को जाकर परोसना। हमको पता है आप कितने बहादुर हैं। अगर इतने ही बहादुर होते तो पूरे गांव के सामने इंदु की तरह हमारी नाक भी ऊंची हो गई होती। हाँ तुम कहना क्या चाहती हो? हम को डरपोक है? अरे PWD में काम करते हैं, PWD में बचपन से कुश्ती लड़ते आए हैं और कॉलेज में हम कुश्ती के चैंपियन रहे हैं। विद्या रानी की कसम, कभी मौका मिले ना तो आजमा के देख लेना, ऐसा धोबी पछाड़ मारेंगे ना कि चारों खाने चित्त हो जाएगा। अरे बस करो, अब बहस का बुंदेलखंड बंद करो और काम के उत्तराखंड पर ध्यान दो। हाँ हमको जाना है कुछ सामान लेने, हमारे साथ चलो। हम तो किसी ने कहा ही नहीं। तो हम कह रहे हैं ना साथ चलो। अरे भाई पहले चाय नाश्ता तो कराओ। लेकर आते हैं। क्या हुआ मुकुंदी बाबू, आप कुछ कहना चाहते हैं? हमको छुट्टी चाहिए थी, कम से कम दो दिन की। कोई बात नहीं, ले लीजिए। दुई दिन नहीं, दुई महीने की। क्या, दो महीने की छुट्टी? जी। लेकिन क्यों? बड़े बाबू कहा है ना, हम कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन उसके लिए दो महीने की छुट्टी क्यों? वो यूं कि जिस पहलवान को हम कुश्ती लड़ने के लिए चुनौती देंगे ना, वो हमको पटक पटक के मारेगा और हमारी हड्डी पसली एक कर देगा, फिर हमको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा और अस्पताल से छुट्टी मिलने में कम से कम 2 महीने तो लगे ही जाएंगे। हाँ ये बात भी है, आपकी पिटाई तो काफी होगी। और हमने तो सुना है कि लालगंज के पहलवानों के हत्थे जो एक बार चढ़ जाता है, कभी कभी तो उसे अस्पताल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। भगवान आपकी रक्षा करे, किस्मत में हुआ तो 2 महीने बाद हम लोग फिर से मिलेंगे। ए चौरसिया भाई, पान खिलाओ। अभी लगाते हैं पहलवान जी। बचपन से कुश्ती लड़ते आए हैं और कॉलेज में तो हम कुश्ती के चैंपियन रहे हैं। विद्या रानी की कसम, कभी मौका मिले ना तो
तो आजमा के देख लेना, ऐसा धोबी पछाड़ मारेंगे ना कि चारों खाने चित्त हो जाएगा। अरे वाह, इसका मतलब तब तो ये इस पहलवान जैसे आदमी को भी पीट सकते हैं। अगर ये इसे पीट दे तो इंदु की तरह हमरी भी नाक पूरे लापता गंज में ऊंची हो जाएगी। हाँ, ये इसे पीटे, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ए सुनो। हाँ सुनाओ। अरे हमरी तरफ देखो तो सही। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे ना, हमरी तरफ देखो, देखो। आप देखते हैं। हाँ। अरे वाह, ये साड़ी में बड़ी खूबसूरत लग रही है। जब देखो तब बिलबिलाए रहते हो। अच्छा एक तो बात बताओ। हाँ? अगर कोई आदमी तुम्हारी पत्नी को छेड़े तो तुम शांति का शाहजहानपुर बने खड़े रहोगे या फिर गुस्से से ग्वालियर हो जाओगे? हाँ? अरे किसकी हिम्मत है जो तुमको छेड़ दे? तुमको, तुम ऐसे वैसे की पत्नी नहीं हो, लल्लन जी की पत्नी हो, लल्लन जी की, पीडब्ल्यूडी वाले की। नहीं तो। अरे ये तो हमको पता है, लेकिन हम अगर तुमको कहे कि कोई आदमी ने हमको छेड़ दिया तो तुम क्या करोगे? हम उसको पीट पीट के ना बैगन का भरता बना देंगे। हाँ तो बनाओ भरता। किसका? वो जो आदमी खड़ा है ना वहाँ पान की दुकान पर, उसने हमको आँख मारी ऐसे। तुमको आँख मारी? कैसे कैसे? ऐसे। उसकी इतनी हिम्मत? हाँ। उसने तुमको आँख मारी? हाँ। लल्ला जी की पत्नी को? हाँ। उसकी तो मैं ऐसी के। बिंदुमती, ये तो सचमुच का पहलवान है भाई। तो क्या हुआ? हाँ, अरे तुमने कहा था ना कि तुम ऐसे दो तरह पहलवान को पीट सकते हो। हाँ, और तुमने पहलवानी भी सीखी है तो ठीक है। अरे कोई आदमी तुम्हारी पत्नी को ऐसे आँख मार के वहाँ पर खड़ा है और तुम यहाँ पर खड़े 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 हो। अरे जाओ जाओ, जाकर उसका बैंड बजा दो। जाओ जाओ। बाबा हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं जाओ जाओ, जाकर पीटो उसे, जाओ। अबे कौन है जो हमको पीटना चाहता है? अरे हमारे पति है और ये तुमको पीट कर ही रहेंगे। हाँ। अरे की ऐसी की तैसी, तनिक हाथ लगा कर तो दिखाए हमको। अरे ऐसी की तैसी तो तुम्हरे करेंगे हमरे पति। हाँ, क्योंकि तुम जैसे दुई-दुई-ठू पहलवान के लिए अकेले ही काफी है हमरे पति। अपने कॉलेज में कुश्ती के चैंपियन रहे हैं। हाँ। सुनो। हाँ सुनाओ। अरे लगाओ तुम हाथ इसको। ये तुमको चुनौती का चंडीगढ़ दे रहा है और तुम घबराहट का घाटमपुर बने यहाँ पर खड़े हो। अरे जाओ लगाओ हाथ इसको, दो इसको। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तुमसे अच्छे तो मुकुंदी जीजा है। हाँ, जिन्होंने उस पहलवान की चुनौती को स्वीकार कर लिया और कल वो पहलवान को चुनौती देने वाले हैं। जाओ जाकर लगाओ दो हाथ इसको। अरे उस खाने वाले की तो ऐसी की तैसी। अरे वो का चुनौती देगा जो हम देंगे इसको? नहीं तो। ए आदमी, तुमने जानते हो किसको छेड़ा है? ये कोई ऐसी वैसी की पत्नी नहीं है, हमारी पत्नी है, लल्लन जी की, पीडब्ल्यूडी वाले की। बोलो ऐसे वैसे की नहीं। नहीं तो। एक, अभी तो हमने तुम्हारी पत्नी को छेड़ा नहीं, लेकिन अब हम तुमको छेड़ेंगे और वो भी हमरे। देखा, हमने डर से भाग गया। अच्छा हुआ जो भाग गया, नहीं तो हम इसको मार के भरता बना देते। अरे हम कोई ऐसे ऐसे आदमी थोड़े ना है, हम तो पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं। जब देखो तो बिल बिलाए रहते हो। अब घर चलो, चलकर तुमको चूने और हल्दी का लेप लगाते हैं। चलो बिंदुमती, हम जीत गए ना। आइए 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 आइए। क्या बात है, तुम लोगों ने यह मजमा कहाँ लगा रखा है? अरे कैसी नॉनसेंस टाइप बातें कर रहे हैं, कुश्ती कॉम्पिटिशन आप लड़ रहे तो मजमा आपके घर में लगेगा, मामा के घर में थोड़ी ना लगे। आप मुकुंदी भैया, लेकिन ये अचानक आपके अंदर का पहलवान जो चादर तान के सोया था, जाग कैसे गया? भाई पहलवान तो पिताजी के अंदर जागता था और फिर उन्हें देख के हर पहलवान भागता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुकुंदी भैया। पापा कसम देखिए, सारा लापतागंज आप पे गर्व सा महसूस कर रहा है, आपने जो चैलेंज ले लिया कुश्ती कॉम्पिटिशन का।
यानी अब लापतागंज का नाम एकदम ऊपर उठ जाएगा और हम भी उठ जाएंगे। अरे जीजाजी, जीजाजी आप चिंता ना करें, अब हम आ गए हैंगे, अब हम आपको सिखाएंगे कैसे कुश्ती लड़ते हैंगे, कैसे कसरत करते हैंगे और कैसे डंबल उठाते हैंगे। अरे तुम तो रहने ही दो यार, तुम्हें कंबल उठाओगे तो गिर जाओगे, बात डंबल की कर रहे हो। अरे मुकंदी भैया आप नाराज क्यों हो रहे हैं, अरे हम सब तो आपका हौसला बढ़ाने आए हैं। हाँ, ताकि आप उस पहलवान को मजा चखा सके। जय बात, हम लेकर आए हैं सरसों का तेल। का ये किस लिए लाई हो? तुम्हारे मालिश के लिए और काहे के लिए? अरे इंजन बिना रेल, पुलिस बिना जेल और पहलवान बिना सरसों के तेल के पूरा नहीं होता। ए लीजा, देखा रहे हो, लगा लो अपने जीजा जी को तेल और सब जम के मिल के करो मालिश। अरे भाई जीतेगा भाई, होगा कुश्ती का खेल और सब मिलके लगाओ मुकुंदी भैया को तेल। भाई तेल तो पिताजी लगाया करते थे, लेकिन मामा अब हम लगाएंगे। अरे तो फिर लगाओ, पकड़ो। रगड़ रगड़ के मसल मसल के मालिश हो गई भैया भैया, रगड़ रगड़ के मसल मसल के मालिश हो गई भैया भैया, रगड़ रगड़ के मसल मसल के मालिश हो गई भैया भैया। जहाँ जगह मिली वहाँ कमीज को उतार कर 50 दंड मार कर उठे अजीब शान है, अरे ये पहलवान है। रगड़ रगड़ के मसल मसल के मालिश हो गई हैया हैया, रगड़ रगड़ के मसल मसल के मालिश हो गई हैया हैया। नहीं तो कल हम कुश्ती लड़ने से पहले कुछ तो जाएंगे। अरे थकने से काम नहीं चलेगा, दिखा दो अपनी चुस्ती क्योंकि कल जम के होने वाले।